भद्रजुन गढ़ की इतिहास पुराना 5000 साल पुराना है महाभारत के टाइम पर अर्जुन और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा का यहाँ ब्याह हुआ था जहाँ पहाड़ के पीछे उनका अभी भी सुभद्रा जी का मंदिर है। तो उस समय इसका नाम सुभद्रा अर्जुन पड़ा एक गांव का और फिर समय के साथ साथ बिगड़ते हुए ये भद्रजुन के आगे पधारो भारत खाम मांगणी धी नार जोदाणत घणी खाम मांगणी मारो नाम मांगीला ले मैं पीढ़ी और दमामी हूँ नंगा थी हूँ मारा पूर्वज अन ठिकाना रे मैं पीढ़ी और नगर बनो करता आया है और ढोल और गाँव बजावनो मारो पुस्तनी धंधो है जो को मैं ठिकाना में अन ठिकाना री बड़ी मेहरबानी है कि पूरी चौराई रे में 84 गाँव रे में हर टाबर ने जिनने अनाथ है या असहाय है मन दो गोरी मदद करे ते जी मोटा मोटा अफसर बनिया बट मैं मु एक हूँ वो खुद प्रिंसिपल हूँ लेकिन आज ठिकाना रहो आभार मैं मिटा नहीं सकूँ और मैं तुम्हारी पीढ़ी थी अगली पीढ़ी थी भी चाहूँ कि अन ठिकाना रही आज ही दे देना पीढ़ी और भी मैं आपको खुले देवी सिंह सार ने दर्शन किया था जो कि राजा गोपाल सिंह सारा फसल की उनके क्योंकि अभी अभी बुआई का टाइम है वो सब चर्चा करते हैं सब एक दूसरे के सुख दुख के बारे में जानते हैं सब सामूहिक कोई चर्चा होती है गांव के बारे में। आवश्यकता अनुसार मिनिमम लोगों को यहाँ रखते थे कि जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ दर्जी होते थे कोई नाई होते थे कोई चौधरी जो खेती करते थे कोई रावणा राजपूत जो बाकी सब उनको मदद करते थे घर में सासुओं को मीणा जाति के लोग हैं जो क्षत्रियों के साथ में ही वो युद्ध के लिए भी तैयार रहते थे और भी कोई उनका काम होता था तो देते थे सेवाएँ बड़े वफादार जाति और बहादुर जाति मीणा जो अभी भी यहाँ हर साल गणगौर का त्यौहार मनाते हैं जो बहुत ऐतिहासिक समय से राजस्थान का एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण त्यौहार है। वो तो गणगौर की सवारी निकलती है जिसमें सब गांव वाले अपनी नई वेशभूषा पहन के ऐसे कपड़े पहन के नहा धो करके सब आते हैं और बहुत उत्साह के साथ गणगौर की सवारी निकलती है और फिर सब लोग बैठ के जश्न मनाते हैं अपने साथ में जो भी
करोड़ों लोग एक मारवन तीजो कसो बर रंग पिया प्यारे सरिया